ये देखिए मखाना और बादाम कितने ज़्यादा क्रंची हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहाज कुकिंग हाउस। आज हम बनाएंगे कैरेमल मखाना और बादाम। व्रत में खाने के लिए बहुत बढ़िया स्नैक है और इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। कैरमल ड्राई फ्रूट्स बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन गरम करें, उसके अंदर डालें एक चम्मच घी। घी में पहले हम रोस्ट करेंगे थोड़े से बादाम। बादाम को क्रंची होने तक रोस्ट कर लें मीडियम फ्लेम पे। ये बादाम रोस्ट हो गए हैं, इनको अब अलग निकाल लें। अब सेम पैन में डालें 2 कप मखाने और मखानों को भी क्रंची होने तक रोस्ट कर लेंगे। ये मखाने भी रोस्ट हो गए हैं, अब इनको अलग निकाल लें। ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो गए हैं, अब एक पैन में डालें 1 चम्मच घी। फ्लेम को लो रखें। अब इसमें डालें 3 चम्मच पाउडर्ड शुगर। अगर पाउडर्ड शुगर नहीं है तो नॉर्मल शुगर डाल सकते हैं। इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक शुगर मेल्ट नहीं हो जाती। चीनी के पिघलते ही आप इसको फ्लेम से उतार लें, वरना चीनी जल जाएगी। और इसके अंदर फटाफट डाल दें जो हमने मखाने और बादाम रोस्ट किए थे, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। जो चीनी है वो इन सारी चीज़ों पे अच्छे से चिपक जाएगी। अब इसको एक प्लेट में निकाल दें बटर पेपर के ऊपर, और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। अभी सारी चीज़ें एक साथ चिपकी हुई हैं, जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको आराम से अलग कर सकते हैं। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो गए हैं, अब इनको अलग कर लें। और ये हमारे कैरमल मखाना और बादाम तैयार हैं। आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं और काफी दिन तक आराम से इनको खा सकते हैं। और कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।